ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल वेलकम्स यू। माई सेल्फ संदीप नेहरा, यूर हिस्ट्री टीचर। वी आर स्टडिंग अबाउट लेसन 9, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। जो मुगल एम्पायर था उसका जो प्रांतीय था, मतलब स्टेट वाइज जो था एडमिशन, उसको कंट्रोल कैसे करते थे। वैसे तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एनसीईआरटी के अलावा डिटेल से काफ़ी बार 3 मार्क्स के अंदर पूछे जाते हैं। जैसे कि अकबर के बारे में पूछ लिया जाता है, या मेन फीचर्स पूछ ली जाती है मुगल एम्पायर की, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखी, या एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछ लिया जाता है। तो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था, तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात बताते हैं कि सबसे बड़ा, आपको पता है कि राजा उस समय सबसे बड़ा होता था, इम्पीरियर मतलब साम्राज्य को सबसे बड़ा माना जाता था। और यानी कि वहाँ पर किसका, कि जो राजा ने बोल दिया, जो एम्पायर जो उसने खड़ा किया है पूरा का पूरा, वो एक कंट्री की तरह था। तो मैंने आज की सिचुएशन के एट प्रेजेंट के साथ इसको क्या है, आपस में इनके दोनों का कंपेयर भी किया। तो जो उस समय का साम्राज्य हम आज का कंट्री मान सकते हो, कि जैसे इंडिया एक कंट्री है, तो पूरा का पूरा जो उसका साम्राज्य होता, पूरा का पूरा जो उसका एम्पायर होता था, उसको क्या है, सूबे में डिवाइड किया जाता था। सूबे में डिवाइड, जैसे कि अब इंडिया के अंदर किस में डिवाइड किया गया, स्टेट्स में डिवाइड किया गया है। तो उसी तरह से क्या है, उस समय भी क्या है, उन्होंने अपने पूरे एम्पायर्स को, क्योंकि एक राजा इतने बड़े एम्पायर को नहीं संभाल सकता था। हम बात करें तो जो अकबर के टाइम में क्या है, इंडिया काफ़ी, मतलब आज का इंडिया इतना एरिया लगभग उसके पास हो चुका था। नॉर्थ का एरिया काफ़ी था, सेंटर का था, इसके अलावा पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, वहाँ तक फैला हुआ था। तो इसलिए क्या है, स्टेट्स में उसने डिवाइड, यानी सूबा जिसको बोला जाता है, सूबे में उसने क्या है इसको डिवाइड किया जाता है। और जो सूबे का हेड बनाया जाता है, जैसे हमारे क्या है, सीएम भी बोल सकते हो या गवर्नर बोल सकते हो आप, क्या राज्यपाल जो होता है, जिस तरह वो स्टेट का हेड होता है, उसी तरह से क्या है, सूबे का जो हेड होता था वो सूबेदार कहलाता था। यानी सारा का सारा जो काम होता था उस सूबेदार की देख रेख के अंदर होता था। यानी जो नीचे के उसके जो पार्ट थे वो सारे के सारे उसके अंडर में आते, उसके अंडर कंट्रोल। राजा से कौन सीधा रिलेशनशिप रखता था, सूबेदार रखता था। और वो सूबेदार उसको क्या है, खबर देता था कि हमारे मतलब इस सूबे के अंदर क्या है, किसी ने कोई रिलेशन कर दिया, या कोई बगावत कर रहा है, या कोई करने की सोच रहा है, तो वो सारी की सारी क्या है, जो बातें हैं वो सूबेदार बताता। तो आगे है सूबेदार, तो जो सूबा होता था वो आगे क्या है, अनेक पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था, मतलब जिसको सरकार बोलते थे, यानी अनेक सरकारों के अंदर डिवाइड किया जाता था। यानी एरिया भी जिसको आप बोल सकते हो सरकार, सरकार का मतलब यहाँ गवर्नमेंट से नहीं है, सरकार का मतलब मैं यहाँ करूँगा आपका डिनोट डिस्ट्रिक्ट से। जैसे क्या एक स्टेट के अंदर क्या डिस्ट्रिक्ट डिवाइड होती है, उसी तरह से वहाँ क्या थी, सरकारों के अंदर वो क्या होता था, सूबा डिवाइड होता था, कि यहाँ पर एक सूबे के अंदर इतनी सरकारें बना दी गई। यानी उनका एरिया डिवाइड कर दिया जाता था, कि ये एरिया एक सरकार है, दूसरा एरिया दूसरी सरकार है, तीसरा एरिया तीसरी सरकार है। तो इस तरह से एक सूबे को क्या है, अनेक, जिस तरह हमारा क्या स्टेट तकरीबन हर स्टेट क्या है डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड है, उसी तरह से क्या है सरकार में डिवाइड था। तो सरकार किस में डिवाइड होती थी, आगे परगनाज में डिवाइड होती थी, जो से हमारे क्या ब्लॉक्स में डिवाइड होती है डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि उकलाना ब्लॉक है, बुन्ना ब्लॉक है, टोहाना ब्लॉक। तो उस तरह से क्या है, सरकार किस में, परगना में डिवाइड होती थी, यानी परगनाज बोला जाता था उनको, जैसे हमारे ब्लॉक्स होते हैं, तो वो परगना होते थे, उनके अंदर जो कामकाज है वो भी डिस्ट्रीब्यूट था। सबसे पहला कानूनगो, कानूनगो आज भी है, पटवारी के ऊपर का जो रैंक होता है इंडिया के अंदर, वो उसको कानूनगो बोला जाता है। और जो ब्लॉक्स में बैठता भी है हमारे तहसीलदार, मतलब एक तरह से क्या है, डिप्टी तहसीलदार की तरह होता है। तो उसका काम था जो रिन्यू का राजस्व जो इकट्ठा किया जाता था, राजस्व होता है पैसा, मतलब चाहे वो एग्रीकल्चर या किसी तरह का टैक्स देखे रखो, उसका रिकॉर्ड रखने का जो काम होता था वो कानूनगो का होता था। कानूनगो के साथ दूसरा जो था वो रैंक था चौधरी का रैंक। चौधरी किसको बोलते थे, जिसको काम दिया जाता था उस राजस्व को इकट्ठा करने का। आज तो क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, लोग अपने आप क्या जमा कर देते हैं, या पुलिस के अकॉर्डिंग, या इस तरह से क्या रिन्यू, या टैक्सीज इकट्ठा किया, या टैक्स डिपार्टमेंट से। तो उस समय चौधरी एक डिपार्टमेंट, एक तरह से डिपार्टमेंट बनाया जाता था, या एक तरह से एक रैंक होता था, जिसका काम उस रिन्यू को क्या करना था, रेवेन्यू को कलेक्ट करने का काम था, यानी उसको इकट्ठा करने का काम था। और एक रैंक था काजी का, काजी का आपको पता है, जो उस परगने के अंदर क्या होती थी, मस्जिद वगैरह होती थी, उसके अंदर का देखना, या उसको वहाँ पर कोई इसी तरह का छोटा मोटा जस्टिस करना लड़ाई झगड़ों के बारे में, तो वो काम काजी करता था। तो इस तरह से क्या है, जो मुगल एम्पायर का क्या था
एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रांतीय जो इनका साम्राज्य था, प्रशासन था, वो इस तरह से डिवाइड था। नेक्स्ट आता है फिर इनके फीचर्स के बारे में, जो मुगल क्रॉनिकल्स थी उनकी फीचर्स। चैप्टर का नाम है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, तो किंग्स में मेनली अकबर का पूछा जाता है जिसमें बारे में, और आगे आता है सेकंड है क्रॉनिकल्स, तो क्रॉनिकल्स होता है इतिवृत्ति, यानी जो इतिहास होता है उसके बारे में। तो मुगल के इतिहास के बारे में जो बता रही थी उनकी फीचर्स क्या थी, तो इतिवृत्ति यानी मैन्युस्क्रिप्ट होती है या जो चीज़ें होती है वो सारी की सारी। फर्स्ट है कोर्ट हिस्टोरियन यानी कि दरबारी लेखन। मुगलों के टाइम में मुगलों के इतिहास को जो इतिवृत्ति कहा जाता था, क्रॉनिकल कहा जाता था, उनके लिए क्या रखे जाते थे, कोर्ट के अंदर हिस्टोरियन होते थे। आपने हर एक कोर्ट के अंदर हिस्टोरियन के बारे में पढ़ा, अकबर के टाइम में थे, शाहजहां के टाइम में थे, औरंगजेब के टाइम में थे, तो उन हिस्टोरियन का काम क्या होता था, वो उस समय की घटनाओं के बारे में क्या करते थे, रिकॉर्ड रखते थे, लेखा जोखा रखते थे, वो सारा का सारा रिकॉर्ड। फिर एक क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट्स, और जो क्रोनोलॉजिकल थे कालक्रम की जो घटनाएं थी, यानी मैन्युस्क्रिप्ट लिखने वाले थे जो राइटर थे वो उन इवेंट को क्या करते थे, रिकॉर्ड्स करते थे, लिख देते मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह के बारे में। नेक्स्ट है पिक्टोरियल इमेज, रंगीन चित्र, यानी उनकी मैन्युस्क्रिप्ट में भी देख सकते हो, उनके कोर्ट्स के अंदर भी देख सकते हो, उनके महल वगैरह होते थे उनमें भी देख सकते हो, तो वो क्या थे, रंगीन चित्र से लगा प्रिंट किए जाते थे। तो इस तरह से क्या है, वो रंगीन चित्र या पिक्टोरियल इमेज उनकी एक तरह से उनके बारे में, उनके इतिहास के बारे में, उनके क्रॉनिकल्स के बारे में बताती है। नेक्स्ट है सिमिलरिटी बिटवीन कोर्ट एंड हिस्ट्री ऑफ द एम्पीरियर। तो जितने भी राजा हुए हैं, किंग्स हुए हैं हिस्ट्री के अंदर, या सम्राट हुए हैं और उनके दरबार, उनके अंदर ज़्यादातर में सिमिलरिटी मिलती है। हुमायूं के बारे में और आपको बाबर्स के बारे में ज़्यादा नहीं मिलेगा, उनके कोर्ट्स के बारे में भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन अकबर का है, शाहजहां का है, औरंगजेब का है, तो ज़्यादातर के कोर्ट्स के अंदर क्या है, लगभग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सभी के अंदर सिमिलरिटीज थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उनके जो सम्राट थे उनको जो शासन चलाने का तरीका था, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का तरीका था, या उनकी अगर हम स्क्रिप्ट्स पढ़ते, मैन्युस्क्रिप्ट्स पढ़ते हैं, अकबरनामा पढ़ते हैं, शाहजहांनामा पढ़ते हैं, आलमनामा पढ़ते हैं, आलम जो औरंगजेब के ऊपर थी, तो उनके अंदर क्या है, काफ़ी कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, यानी तकरीबन के एडमिनिस्ट्रेशन को जो डिवाइड किया गया वो लगभग एक तरीके से किया गया। तो इस तरह से क्या कह सकते हैं कि उनमें सिमिलरिटीज़ थी। नेक्स्ट है लैंग्वेज, लैंग्वेज वहाँ पर मैंने पहले ही बताया था, मेन जो लैंग्वेज थी, पुरानी जो लैंग्वेज थी उनकी तुर्की थी, हुमायूं और बाबर के टाइम में तुर्की रही, उसके बाद अकबर के टाइम में पर्शियन लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी गई थी, और हिंदी और पर्शियन का जो मिक्स था, जो उर्दू लैंग्वेज है वो बाद में निकल करके आई। तो मेन जो उनकी भाषा थी वो पर्शियन लैंग्वेज में थी। तो जो सबसे पहले बाबरनामा जो लिखा गया था तुर्की में, उसको भी बाद में पर्शियन में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो मेन जो उनकी लैंग्वेज क्या है, कोर्ट लैंग्वेज पर्शियन थी, इसके अलावा तुर्की भी थी, और बाद में उर्दू के अंदर भी वो कन्वर्ट हुई है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ मुगल हिस्ट्री। इसके अलावा हमें मुगल हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट सोर्सेज भी मिलते हैं, महत्वपूर्ण स्रोत भी मिलते हैं, जो किसके बारे में बताते हैं, उनके मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताते हैं, उनकी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। तो मुगल एम्पायर क्या थे, सभी के सभी मेनली अकबर से जो स्टार्ट होते हैं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर, वो सारे के सारे क्या चाहते थे, वो मतलब इस तरह के शोर्स उत्पन्न करना चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियां या उनके जो विरोधी हैं, जो ये मानते थे कि मुगल एम्पायर अच्छा नहीं था, ये नहीं था, कि वो जो पढ़ें तो ये ना कहें कि मुगल एम्पायर एक असफल, मतलब जो सक्सेस नहीं था इस तरह का एम्पायर था, मतलब वो ये सुनिश्चित करने वाले थे कि आने वाली जो इन फ्यूचर जो पीढ़ियां हैं, जो उनके बारे में मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह पढ़ें, बुक्स वगैरह पढ़ें, तो उनको पता चले कि उन्होंने क्या है, इतने बड़े क्या है एम्पायर के ऊपर क्या है कंट्रोल किया था, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कितना इफेक्टिव था। तो इस तरह की बातें क्या है रखने के लिए काफ़ी सोर्सेज इकट्ठा किए, मैन्युस्क्रिप्ट लिखी गई, पिक्चर्स हैं आज भी उनके द्वारा, काफ़ी बिल्डिंग्स बनाई गई है, वो सारी की सारी किसके बारे में बताती है, उन्हीं के बारे में बताती है। तो ये आपका टॉपिक्स था। वैसे तो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या है, कुछ अकबर्स के बारे में बताया, अकबर के बारे में बताया जाएगा, अकबर्स की मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, वो किस तरह के राजा थे उनके बारे में बताया जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा भी जाता है, क्योंकि अब तक जितने भी मुगल इंपीरियर हुए हैं उनमें से क्या है सबसे जो फेमस है वो क्या है, अकबर रहे हैं। तो ओके, थैंक यू।